इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्ड स्पॉट प्राइज पैरिटी रिलेशन वेन वी आर गोइंग टू गेट द डिविडेंड तो अभी हम एज्यूम करें हैं कि हम एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें हमें डिविडेंड्स मिलेगी अब इस किस्म के सिचुएशन में हम फॉरवर्ड स्पॉट प्राइज पैरिटी को कैसे निकालेंगे किस तरह से काउंट फॉर करेंगे एंड फॉर देट मैटर लेट्स टेक अप द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला विच कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट तो हमने कहा कि सपोज अगर आप एक्सपेक्ट करें हैं किसी भी जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर जो डिविडेंड मिलेगी उसकी वैल्यू है डी कैपिटल डी और अभी इस वक्त जो प्राइस ऑफ द स्टॉक है दैट इज गिवन बाय कैपिटल एस दो करंट स्पॉट प्राइस है इस द करेंट स्पॉट प्राइस शुड बी पैरिटी के लिए इट शुड बी इक्वल टू

और इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस कैपिटल एस विच इज स्पॉट प्राइस को वन प्लस आर के साथ एस प्लस आर एस माइनस डी हो गया तो अभी आप इसकी मदद से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर प्राइस है दैट विल बी ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस ओनली इफ आपका डिविडेंड इज स्मॉलर देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय द स्पॉट प्राइस तो ये वाली रिलेशनशिप आपको इसकी मदद से मिली है जो कि कह रही है कि हमारा जो डिविडेंड है उसकी वैल्यू ये अगर डिविडेंड आर एस से छोटी नहीं होगी तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू चली जाएगी नेगेटिव में इधर नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब है कि जो आपका स्पॉट प्राइस है दैट हैज़ बिकम ग्रेटर देन द फ्यूचर प्राइस और इस किस्म की ट्रांजेक्शन में आप कभी जाएंगे नहीं तो इफ़ यू वॉन्ट द फॉरवर्ड प्राइस टू बी लार्जर देन द स्पॉट प्राइस देन यू वी नीड टू मेक इट श्योर कि आपकी जो डिविडेंड है इट शुड बी स्मॉलर देन द रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई द स्पॉट प्राइज सो दिस इज समीड्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट वैन वी गो फॉर द फॉरवर्ड स्पॉट प्राइज पैरिटी रिलेशन फॉर अचुएशन वैन वी आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स जिनके ऊपर आपको डिविडें कैश पे आउट मिलेंगे आफ्टर वैन द गेट मच और जब उनका जो भी आपने डिविडें का कैलकुलेशन का फिजिकल ईयरस खत्म होगा तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब आपको डिविडेंड मिलेंगे तो फिर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें